अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद। जेल सुधार पर अनेक समितियां बनी, अनेक कमेटियां बनी, अनेक रिपोर्टें आई और बरसों से जेल सुधार की बातें चलती रही। सुप्रीम कोर्ट के भी निर्णय आए, केंद्र को भी कहा जेल मैनुअल बनाया जाए, 16वां जेल मैनुअल बना भी। उसके बाद अभी पिछले महीने एक रिपोर्ट आई है कि एक नया जेल मैनुअल बन के तैयार है। 16 के जेल मैनुअल को 18 प्रदेशों ने माना। वैसे तो स्टेट्स सूची का सब्जेक्ट है जेल, और इस पर ये सरकार राजस्थान कारागर बिल 2023 लेके आई है। माननीय अध्यक्ष जी, अधिनियम में 3 वर्ष से कम कठोर कारावास के बंदियों के लिए, धारा 7 ये कहते हैं अधिनियम में 3 वर्ष से कम कठोर कारावास के बंदियों के लिए अस्थायी कार्य शिविरों की स्थापना की बात की गई है। इसमें यह स्पष्ट नहीं हो रहा कि राज्य सरकार कार्य उपलब्ध करवाएगी या स्वयं बंदी को अपने कार्य ढूंढना होगा। धारा 18 कारागार अधीनस्थ सेवा के अधिकारियों को अभी भी जेलर, मुख्य प्रहरी तथा प्रहरी कहा जा रहा है। अधिनियम में इनके पदनाम प्रयुक्त होने चाहिए थे। जेलर पदनाम औपनिवेशिक मानसिकता का परिचायक है। धारा 18 में कहा गया है कि जेलर कारागार के परिसर के भीतर निवास करेगा, जबकि जेलर आवासों की स्थिति बहुत दयनीय है। इनकी अवस्था बंदी बैरकों से भी बदतर है। अधिनियम में तलाशी कार्य के लिए आधुनिक उपकरणों की कोई बात नहीं की गई। धारा 36 के अंतर्गत प्रतिबंधित वस्तुओं से संबंधित धारा को गैर जमानती धारा बनाया जाना चाहिए था। मोबाइल जैसी सामग्री बरामद होने पर बंदी के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, न कि कर्मचारी या अधिकारी के विरुद्ध। अगर अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध भी हो तो निश्चित तौर पर बंदी के विरुद्ध भी ये कार्रवाई का ऐसा अमल में लाया जाना चाहिए, प्रावधान भी बिल में होना चाहिए था। यदि कर्मचारी रंगे हाथों पकड़ा जावे तो ही कार्य का होनी ही चाहिए, करे कोई भरे कोई, ऐसा ना हो खाली जेल अधिकारियों के विरुद्ध ही कार्रवाई हो। धारा 43 आज के आधुनिक जमाने में भी पत्र लिखने की बात कही गई है। ये अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। जबकि कारागार में प्रिजन इमेट कॉलिंग सिस्टम भी संचालित है, कैदियों को इसकी सुविधा भी दी जानी चाहिए। अधिनियम में कैदियों को संरक्षण दिया गया, जबकि कर्मचारी अधिकारियों को भी वैसा ही संरक्षण मिलना चाहिए। मुल्ला आयोग की अन्य कमेटियों के सुझावों को भी इसमें स्थान दिया जाना चाहिए था। जेल प्रहरी अपनी मांगों को लेकर समय समय पर अपनी आवाज़ बुलंद करता रहा है और धारा 65 के प्रावधान लाकर अब तो उनको मांग भी उठा नहीं पाएगा। धारा 65 के प्रावधानों में ऐसा प्रावधान कर दिया गया है वो अपने मौलिक अधिकारों के अपने हक की बात भी नहीं उठा पाएगा। इसको भी धारा 65 के प्रावधानों को इस पर विलोपित किया जाना चाहिए। जेल अधिकारियों कर्मचारियों को अनावश्यक अनुशासन कार्यों का सामना करना पड़ता है, उसके लिए भी कैदियों द्वारा दिए गए अपराध की सजा भी उन्हीं को मिले, इसका उपाय इसमें भी आपको संतुलन रखना चाहिए था। धारा 54 में कौशल विकास कार्यक्रम और व्यावसायिक प्रशिक्षण बोर्ड की बात की गई है, लेकिन धरातल पर ऐसी कोई कार्रवाई दिखाई नहीं देती। हाल ही में राज्य सरकार ने 12/12/22 को राजस्थान कारागार नियम 22 लागू किए हैं, जो कारागार अधिनियम 1854 में प्रदत्त शक्तियों से बनाए गए थे, लेकिन अब इस अधिनियम को ही समाप्त किया जा रहा है, उसी को रिपील करके ये नया बिल लाया गया। तो इन 22 के नियम कैसे प्रभावी हो पाएंगे? केंद्र सरकार भी मॉडल प्रिजन एक्ट ला रही है, ऐसे में राजस्थान प्रिजन कैसे प्रभावी रह पाएगा? माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जेल प्रहरी के पद का वेतनमान अभी पूरे राजस्थान में जेल प्रहरी अनशन पे थे, भूख हड़ताल पे थे, कईयों की तबीयतें बिगड़ी, अस्पताल में मैं भी जाके मिल के आया। जेल प्रहरी के पद का वेतनमान पुलिस कांस्टेबल के बराबर वेतनमान करके 1998 से प्रलाभ दिया जाना चाहिए, ये भी इस बिल में लेके आते। नवसर्जित वरिष्ठ जेल प्रहरी के पद को विलोपित करने, राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा के शेष पदों का वेतनमान पुलिस के बराबर किया जाए जाना चाहिए, ये भी इस बिल में लाना चाहिए था। जेल कर्मचारियों को हार्ड ड्यूटी और जोखिम भत्ता पुलिस के बराबर करने और गृह और युद्ध विभाग से पुलिस वेतन मान बढ़ोतरी जेल विभाग में समान रूप से लागू की जाए, ये जो उनकी मांगे थी इस पर भी इस बिल में चर्चा होती, इस बिल में प्रावधान किए जाते तो निश्चित तौर पर अच्छा होता। माननीय सभापति जी, इन सारे संशोधनों को भी इस बिल में शामिल किया जाए, तभी ये बिल पूर्ण रूप से सार्थक हो पाएगा और जिस भावना से ये बिल लाया जाए उस भावना की पूर्ति भी हो पाएगी। इन सब संशोधनों के साथ मैं मेरे संशोधन देता हूँ और मांग करता हूँ कि इस बिल को जनमत जानने के लिए प्रचारित किया जाए। धन्यवाद।